वेलकम बैक टू अनलिमिटेड एजुकेशन फ्रेंड्स, मैं हूं अभिजीत कुमार और बात कर रहा हूं आपका DFCCIL एग्जाम के बारे में। और इसमें जो है सो आपका एग्जीक्यूटिव और जूनियर एग्जीक्यूटिव का जो पोस्ट है आपका ऑपरेशंस एंड BD, इसका कंप्लीट प्रिपरेशन मैं करवा रहा हूं आपको। ठीक है, यहाँ पे जितना भी सेक्शन है टोटल 7 सेक्शन है तो एक एक सेक्शन जो है सो आपका इस चैनल पे कवर किया जाएगा। तो अगर आप लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन का बटन प्रेस कर लेना, क्योंकि लेक्चर जो है वो कभी भी किसी भी समय आ सकता है तो आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिलेगा। यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं आपका हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे एंड DFCCIL के बारे में, और इसमें आपका 24 क्वेश्चंस आने वाला है, मतलब 120 में आपका 24 क्वेश्चंस यहाँ से आएगा। तो आप सोच सकते हो कितना वाइटल रोल प्ले करेगा, तो आपको जो है सो ये सेक्शन काफ़ी अच्छे से करना है। इससे पहले मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2018 डिस्कस किया था, वहाँ पे क्लास वन और क्लास टू मैंने काफ़ी ज़्यादा डिटेल्स में बताया है। तो आप लोग पहले क्लास वन और टू देख लेना, या क्लास थ्री देखने के जस्ट बाद क्लास वन और टू देख लेना, काफ़ी ज़्यादा कंसेप्ट आप सीख जाओगे। जितना भी ये सीरीज आता है जिसमें क्लास वन क्लास टू आता है, इसमें काफ़ी ज़्यादा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको दिया जाता है, जिससे कि आप एग्जाम में आसानी से क्वेश्चन बना सको। आज के सेशन में हम लोग प्रीवियस ईयर 2016 के बारे में डिस्कस करेंगे, और 2016 में आपका 100 क्वेश्चंस ही आता था, 2018 में आपका 120 क्वेश्चंस आया है, और अब 2021 में जो आपका एग्जाम होगा उसमें भी 120 क्वेश्चन आएगा। लेकिन 2016 में आपका 100 क्वेश्चंस का पेपर होता था, लेकिन मैं आपका इस पेपर को जो टेस्ट सीरीज में कन्वर्ट करके टेस्ट सीरीज आप लोगों को दिया हूँ, वहाँ पे आपका 120 क्वेश्चंस ही मिलेगा। ठीक है, 20 क्वेश्चंस मैं उसमें ऐड कर दूंगा ताकि आपको 2021 के पेपर के हिसाब से जो है सो प्रिपरेशन हो सके। ठीक उसी तरह से आपका यहाँ पे हिस्ट्री सेक्शन जो है इसमें आपका 20 क्वेश्चंस है, क्योंकि ये 2016 का पेपर है ना, और 2021 का जो पेपर होगा उसमें आपका 24 क्वेश्चंस रहेगा, तो एक्स्ट्रा 4 क्वेश्चंस जो है सो टेस्ट सीरीज में मैं अपडेट कर दूंगा। ये आपका 17 अप्रैल 2016 का पेपर है, ऑपरेटिंग वाला है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका कि रेल पटरी को आम तौर पर किससे वेल्ड किया जाता है। रेल पटरी का जो वेल्डिंग करते हैं हम लोग, क्रैक वगैरह आ जाता है या पटरी कहीं पे टूट जाती है, तो कौन सा वेल्डिंग प्रोसेस हम लोग यूज करते हैं। ये पेपर आपका हिंदी लैंग्वेज में है, आपको उससे कोई मतलब नहीं होगा, क्योंकि सारा का सारा कंटेंट मैं इंग्लिश में ही देता हूँ और एक्सप्लेनेशन मैं हिंदी में ही करता हूँ। आपको ये लेक्चर लास्ट तक देखना है और टेस्ट सीरीज में आपको बोथ लैंग्वेज में कंटेंट मिल जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर जानने से पहले आप एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जान जाओ। देखो, हम लोग डेली वर्क में जो है ना सो 4 तरह का वेल्डिंग प्रोसेस का यूज करते हैं। कितना तरह का? 4 तरह का। कौन कौन? तो एक है आपका फ्लैश बट वेल्डिंग, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, याद रखना। एक है आपका गैस प्रेशर वेल्डिंग, और एक है आपका थर्माइट रेल वेल्डिंग, या जिसको थर्मिट वेल्डिंग भी बोलते हो, और एक है आपका इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग। इसका मैं सेपरेट आपको लेक्चर दूंगा जिसमें हम लोग वेल्डिंग प्रोसेस को डिस्कशन करेंगे, और मैं आपको एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ा रहा हूँ ना, 2018 का पेपर और 2016 का पेपर दोनों मिला करके 48 क्वेश्चंस मान लो टोटल अगर होता है, अगर आप 4 क्वेश्चंस कम कर दो तो 44 क्वेश्चंस। तो इस 44 क्वेश्चंस में सबसे पहले हम लोग डिवाइड करेंगे कि रेलवे जोन से कितना क्वेश्चंस पूछा गया है, रेलवे के फैक्ट्री से कितना क्वेश्चंस पूछा गया है, और चेयरमैन वगैरह से कितना क्वेश्चंस पूछा गया है, करंट अफेयर्स बजट वगैरह से कितना क्वेश्चंस पूछा गया है, स्टैटिक GK जो आपका रेलवे से रिलेटेड है उससे कितना क्वेश्चंस पूछा गया है, और उस हिसाब से जो है सो टॉपिक बना करके उस टॉपिक को कवर करेंगे। ज़्यादा पढ़ के कम नंबर लाने से अच्छा है कम पढ़ो, स्मार्ट वे में पढ़ो और अच्छा से नंबर ले आओ, इस तरह से आपको प्रिपरेशन करना है। तो यहाँ पे फ्लैश बट वेल्डिंग क्या होता है, इसका एडवांटेज क्या है, इसका डिसएडवांटेज क्या है, ये सब आपको डिटेल्ड लेक्चर आएगा, आपको क्लास वाइज देखना है। इस लेक्चर में सिर्फ आपको इतना पता होना चाहिए कि आपका टोटल 4 तरह का वेल्डिंग होता है, एक फ्लैश बट वेल्डिंग, एक गैस प्रेशर वेल्डिंग, एक थर्मिट रेल वेल्डिंग और एक इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग।
और चारों प्रोसेस रेलवे में यूज होता है, ठीक है, चारों प्रोसेस रेलवे में यूज होता है। बस हम लोग जो कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है रेलवे से रिलेटेड, जब भी आपका कॉमन क्वेश्चन पूछेगा या कहीं भी आप एग्जाम में देखोगे कि रेल पटरी अगर पूछ दिया तो आप लोग आंख बंद करके आंसर करना थर्मिट रेल वेल्डिंग। आंख बंद करके क्या आंसर करोगे? थर्मिट रेल वेल्डिंग। और ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट इसीलिए हो जाता है कि यहाँ से एक क्वेश्चन आपको और पूछा जाएगा कि थर्मिट रेल वेल्डिंग में जो है हम लोग क्या यूज करते हैं, तो एल्यूमिनियम और आयरन ऑक्साइड, एल्यूमिनियम एंड आयरन ऑक्साइड, इसी में कुछ एडिटिव वगैरह इंक्लूड करके, ठीक है, और रेडॉक्स रिएक्शन करवाया जाता है एक टेम्परेचर पे, जिससे जो है सो हाई टेम्परेचर लिक्विड मेटल का फॉर्मेशन होता है। और उसके बाद जो है सो जैसे कि आपका ये दो तरह का है तो यहाँ पे वो मेल्ट हो करके फाइनली सॉलिडिफाई होके वेल्डिंग हो जाता है। और ये कॉमन है थोड़ा सा, क्योंकि ये आपका काफ़ी ज़्यादा कॉन्वीनियंट है, इसका इक्विपमेंट काफ़ी ज़्यादा सिंपल है और लो प्रोडक्शन कॉस्ट है, ठीक है, कोई भी इसमें जो है सो आपका ज़्यादा खर्चा वगैरह नहीं है और काफ़ी जल्दी ये काम करता है। इसीलिए आपका रेल रिपेयर वगैरह जो करना होता है तो इसमें जो है सो हम लोग फ्रिक्वेंटली थर्मिट वेल्डिंग का यूज करते हैं। बस इतना ही आपको याद रखना है, इससे ज़्यादा आपको याद नहीं रखना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? रेल पटरी को आमतौर पर किससे वेल्ड किया जाता है? तो थर्मिट वेल्डिंग। आर्क वेल्डिंग भी देखो ऑप्शन में दिया हुआ है ना, है ना। चलो, मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है? अब इससे पहले जो 2018 का मैंने करवाया था वहां पे दो क्वेश्चन था जो आपका रेलवे जोन से पूछा गया था, और यहाँ पे भी आप देख रहे हो कि रेलवे जोन से क्वेश्चन पूछा गया है। तो जितने भी स्टूडेंट इस लेक्चर को सीरियसली फॉलो कर रहे हो, कॉपी में लिख लेना कि रेलवे जोन मुझे अच्छे से करना है। अब रेलवे जोन करने का मतलब क्या होता है? काफ़ी लोग क्या 18 जोन है याद कर लिए, सारे का हेडक्वार्टर याद कर लिए, उन्हें लगता है रेलवे जोन खत्म। ऐसा नहीं होता है। आपको जो है सो कितना जोन है, किसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, उसमें कुछ ऐसा पार्टिकुलर जोन होता है जो सबसे ज़्यादा लंगेस्ट एरिया कवर करता है, कोई ऐसा जोन होता है जो कम एरिया कवर करता है, इस टाइप का सारा क्वेश्चंस आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई। याद करने का भी ट्रिक बता देता हूँ, म से मध्य, म से मुंबई, ठीक है, सेंटर, सेंटर। अब यहाँ पे दो मिनट लूंगा, अच्छे से देखना। सबसे पहली बात कि 18 जोन है, ये आप सभी को याद रखना, मेट्रो को इंक्लूड करके 18 है, अगर मेट्रो को आप एक्सक्लूड करोगे तो 17 हो जाएगा। 2018 के पेपर में एक्सक्लूडिंग मेट्रो रेलवे पूछा था। अब यहाँ पे ये जो है, ये मैंने याद करने का ट्रिक आपको इसके पीछे के क्लास में बताया हुआ है। अब ये 18 जोन कैसे याद करोगे? तो चलो कोशिश करते हैं। देखो, ये तो आपको पता होगा ना, ये है आपका ईस्ट, ये है वेस्ट, ये है नॉर्थ, ये है साउथ। तो सिंपल सा बात है, चार आपका रेलवे जोन याद हो गया, नॉर्थ आपका और एक ये सेंटर, तो सेंटर आपका याद हो गया, ईस्ट आपका याद हो गया, हेडक्वार्टर बाद में याद करना, अभी सिर्फ कितना जोन है उसका नाम याद करने का बता रहा हूँ। एक आपका सेंटर हो गया, ईस्ट हो गया, नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया, वेस्ट हो गया। अब आते हैं सभी के बीच में, सभी के बीच में आते हैं, ठीक है। चलो, नॉर्थ सेंटर, नॉर्थ सेंटर, वेस्ट सेंटर, साउथ सेंटर, ईस्ट सेंटर, तो देख लेते हैं कहाँ पे है। ईस्ट सेंटर है, नॉर्थ सेंटर है, साउथ सेंटर है, वेस्ट सेंटर है, आपको 9 याद हो गया। इसके बाद ऐसे करो, ये और ये, तो ये आपका नॉर्थ ईस्ट है, देखो नॉर्थ ईस्ट, ये आपका नॉर्थ वेस्ट है, ये आपका वेस्ट साउथ है, और ये आपका साउथ ईस्ट है। तो आपको ऐसे करोगे तो आपका नॉर्थ वेस्ट हो गया, नॉर्थ ईस्ट हो गया, और साउथ ईस्ट हो गया, और आपका एक और साउथ वेस्ट हो गया। इतना आपको याद हो गया, 9 और 4 13 याद हो गया। एक आपका मेट्रो, 14 आपका याद हो गया। इसके अलावा दो है आपका कोस्टल एरिया, ये वाला कोस्टल एरिया, एक साउथ कोस्टल और एक ईस्ट कोस्टल, ठीक है, इतना आपको याद हो गया। अब कौन कौन बचा? ईस्ट कोस्ट आपका हो गया और साउथ कोस्ट आपका हो गया, ठीक है। उसके बाद सिर्फ दो बचा, एक आपका साउथ ईस्ट में सेंट्रल और एक आपका यहाँ पे फ्रंटियर, नॉर्थ ईस्ट में फ्रंटियर, मतलब एक इधर सेंटर और एक इधर फ्रंटियर, टोटल 18।
तो अगर आपसे पूछा जाएगा ना, तो आप एक पेपर पे या एक पेज पे इस तरह से ड्राइंग करके आप आसानी से 18 जोन का नाम बता सकते हो। अब किसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, इसका सेपरेट लेक्चर में अच्छे से बताऊंगा आपको, ठीक है। यहाँ पे मैंने जो 2 या 3 क्लास लिया हुआ है, उसमें मैंने अभी तक आपको सिर्फ सबका शॉर्टकट याद करने का तरीका बताया और सारे जोन का याद करने का तरीका बताया, कितना जोन है वो बताया, और एक्सक्लूडिंग मेट्रो कितना जोन है और इंक्लूडिंग मेट्रो कितना जोन है वो बताया। इतना सारा चीज आपको याद रखना है। इसके बाद एक क्वेश्चन है कि भारत में किस गवर्नर जनरल के शासन काल में रेलवे लाइन का स्थापना हुआ। काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। अब आप खुद सोच करके देखो कि 2018 में भी ये क्वेश्चन आया और 2016 में भी ये क्वेश्चन आया, सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ। इसीलिए प्रीवियस ईयर बेस्ट माना जाता है हमेशा, क्योंकि कंसेप्ट रिपीट होता है। वैसे मैंने इस क्वेश्चन का आंसर आपको पहले बता दिया था, लेकिन आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा देख लो, इसमें एक एक लाइन से क्वेश्चन पूछेगा। इसमें मैंने जितना लाइन लिखा हुआ है ना, हर एक लाइन से क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में, तो आप सब इसको अच्छे से देख लेना। सबसे पहले ट्रेन जो है वो लॉर्ड डलहौजी ने चलाया था, एक क्वेश्चन। 16 अप्रैल 1853 को चलाया था, दूसरा क्वेश्चन। बॉम्बे से थाने में चला था, तीसरा क्वेश्चन। लेंथ 34 किलोमीटर था, 400 पैसेंजर्स को लेके गया था, टोटल 14 उसमें डब्बा था, रेलवे कैरेज था, ठीक है। और वो ट्रेन जो है वो बोरी बंदर से 3:30 बजे शाम में चला था। एक लाइन में इतना सारा क्वेश्चन सबका बनेगा। फर्स्ट इंडियन रेलवे मिनिस्टर वोमेन जो थी वो आपका ममता बनर्जी थी, इसको याद रखना। रेलवे बजट जो है वो लाइव हुआ था फर्स्ट टाइम 1994 में, इसको याद रखना। और राइट नाउ 2021 के हिसाब से फास्टेस्ट ट्रेन जो है वो आपका गतिमान एक्सप्रेस है, इसको याद रखना। और जब फास्टेस्ट याद रखोगे तो स्लोएस्ट भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे एंड DFCCIL पढ़ रहे हो बाबू, कुछ भी पूछ सकता है। तो ये आपका मेट्टुपल्लयम OT नीलगिरी पैसेंजर, ये आपका जो है सो स्लोएस्ट है 10 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, और ये आपका फास्टेस्ट है 160 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। और इसीलिए क्वेश्चन और आ जाता है कि फास्टेस्ट और स्लोएस्ट का रेशियो कितना है, तो आप बोलोगे 16, कितना है 16, ठीक है। ऐसे करोगे तो आपका 16 आ जाएगा, मतलब फास्टेस्ट से 16 टाइम्स स्लो है स्लोएस्ट ट्रेन। एक दो चीज और देख लो आपका, ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट ही है। एक बजट, ये तो पता ही होगा कि नॉर्मल बजट से रेलवे बजट अलग कब हुआ, तो 1924 में। रेलवे को नेशनलाइज कब किया गया, 1951 में। रेलवे जो है सबका वर्ल्ड्स का सेकेंड लार्जेस्ट नेटवर्क है और एशिया का फर्स्ट है, लार्जेस्ट है, इसको याद रखना। फेरी क्वीन जो है वो लिस्टेड है आपका ओल्डेस्ट फंक्शनिंग स्टीम इंजन, और ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी इसका नाम है। और ये आपका कहाँ से कहाँ चलती है, न्यू दिल्ली से अलवर, अलवर कहाँ है, राजस्थान में, इसको भी आपको याद रखना है। इंडियन रेलवेज इज द प्राउड ओनर ऑफ 4 यूनेस्को अकॉर्डेड वर्ल्ड हेरिटेज साइट, नेमली दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे, नीलगिरी माउंटेन रेलवे, कालका शिमला रेलवे और छत्रपति शिवाजी टर्मिनस। मतलब रेलवे का ये 4 जो है वो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में है, और सबका आपको ईयर भी याद रखना है, किस ईयर में यूनेस्को इंक्लूड किया। कंप्यूटराइज्ड रिजर्वेशन जो है वो आपका इंडियन रेलवे में 1986 में इंक्लूड किया गया है। इस पे मैं थोड़ा सा समझा करके कुछ कुछ क्वेश्चन आपको और बताऊंगा, ठीक है। चलो, विवेक एक्सप्रेस के बारे में मैंने बता दिया है। वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेलवे ब्रिज जो है उसका नाम है आर्क ऑफ द चेनाब ब्रिज, इसके बारे में मैंने बता दिया है। और ये आपका 5 times हाइट है आपका कुतुब मीनार का, कुतुब मीनार जितना हाइट का है उससे 5 गुना ज़्यादा, और आपका एफिल टावर जितना है उससे 35 मीटर लंबा, ठीक है। ये आपको पता चला, ये चेनाब रिवर पे है, ये पता चला। और ये आपका चेनाब रिवर से 359 मीटर अबव है, ये आपको पता चला। वर्ल्ड्स का लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म जो है सो गोरखपुर में है, और हावड़ा में जो है सो 23 प्लेटफॉर्म है, और इंडिया का हाईएस्ट नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म
अहावरा में है। इतना सारा चीज आपको याद रखना है। ये जो 13 पॉइंट मैंने डिस्कस किया है आप बिलीव नहीं करोगे, 2 से 3 क्वेश्चन तो आपको एग्जाम में यहीं से आ जाएगा। मैं देख रहा हूँ कि काफी लोग जो है सो ऐप पे आके सिर्फ टेस्ट सीरीज परचेज कर रहे हैं, जबकि मैं हमेशा बोलता हूँ कम्प्लीट कोर्स परचेज करो। कम्प्लीट कोर्स में और टेस्ट सीरीज में जमीन आसमान का डिफरेंस है। अगर आप टेस्ट सीरीज लेते हो तो आपको 175 प्लस टेस्ट मिलता है, 150 प्लस सेक्शनल टेस्ट और 20 प्लस जो है सबको फुल टेस्ट, इसके अलावा और भी बहुत कुछ, ठीक है। उसके बाद सारे टेस्ट सीरीज का मैं PDF आपको अलग से देता हूँ प्रैक्टिस करने के लिए। लेकिन कंप्लीट कोर्स में फ़ायदा क्या होगा ना कि आपको वहाँ पे वीडियो लेक्चर्स भी मिलेगा, इम्पॉर्टेंट जनरल साइंस वगैरह का जो टॉपिक वगैरह है उसका कुछ PDF वगैरह मिलेगा, और ये क्लास में मैं जितना सारा पढ़ा रहा हूँ ये सारा प्रेजेंटेशन वगैरह का PDF वगैरह मिलेगा। तो कंप्लीट कोर्स ज़्यादा बेनिफिशियल है आप लोगों को टेस्ट सीरीज के कंपेरिजन में, और कंप्लीट कोर्स में टेस्ट सीरीज भी मिलेगा। ओके, यहाँ पे देख सकते हो 8240 8240 स्टूडेंट जो हैं वो ऐप पे आके पढ़ाई कर रहे हैं। ये जो आपका ये DFCCIL एग्जीक्यूटिव एंड जूनियर एग्जीक्यूटिव का कंप्लीट कोर्स है, यहाँ पे चलो ये सारा सेक्शन का आपका PDF फाइल टेस्ट वगैरह इसमें इंक्लूड होगा, हो रहा है जैसे जैसे कंटेंट रेडी हो रहा है, फुल टेस्ट वगैरह सब कुछ। इसके अलावा मैथ रीजनिंग जनरल साइंस वगैरह में जो भी वीडियोज लेक्चर है, टेस्ट सीरीज है, PDF है, ये सारा कुछ यहाँ पे इंक्लूड किया गया है, ठीक है। और भी बहुत सारा चीज़, जैसे कि आप मान के चलो ना कुछ भी खोलते हो, जैसे आप जनरल साइंस ही खोल लेते हो, इसी में आप बायोलॉजी खोल लेते हो, तो ये जो आपका इम्पोर्टेंट PDF वगैरह है ना, तो यहाँ से क्या होगा ना कि आप डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछा जाता है डायरेक्ट, और आप जो है सो आसानी से बनाओगे। जैसे कि इस तरह का आपको PDF मान लो मिलता है, और अगर आप लोग जनरल साइंस देखे होगे तो आपको पता ही चला होगा कि यहाँ से क्वेश्चंस आ रहा है एग्जाम में। तो ये सारा देखने के बाद आपको इस तरह से क्वेश्चंस मिलेगा जो कि आप आसानी से प्रैक्टिस करोगे आंसर के साथ, मतलब क्विक रिवीजन, कम टाइम में आपको ज़्यादा चीज अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। तो ये सारा जो स्टडी मटेरियल है ये सब देख रहे हो यहाँ पे, काफ़ी मेहनत करके बनाया गया है, और सेलेक्टेड क्वेश्चंस सब है जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं वो सब क्वेश्चंस मिलेगा, जहाँ पे जरूरी है वहाँ पे एक्सप्लेनेशन वगैरह भी है। तो कंप्लीट कोर्स लोगे तो काफ़ी ज़्यादा फायदे में रहोगे, अदरवाइज टेस्ट सीरीज अगर लेना है तो टेस्ट सीरीज यहाँ पे सब सेक्शन अलग अलग करके सेक्शनल दिया हुआ है और फुल दिया हुआ है, लैंग्वेज दोनों रखा हुआ है, अटेम्प्ट 5 रखा हुआ है, वैलिडिटी 18 मंथ्स रखा हुआ है, बाकी आपके डिमांड के हिसाब से सब कुछ आता रहता है। टेस्ट सीरीज का PDF इस तरह से रहता है, वो भी मैं दिखा ही देता हूँ। जैसे कि मान लो आपका ये टेस्ट सीरीज है, तो जैसे कि इसका ये PDF है, तो ये आप मोबाइल में एक होता है ना पेज में 1 से लेकर 24 तक लिखोगे, अपना मोबाइल निकालोगे, क्वेश्चन देखोगे, आंसर टिक करोगे, क्वेश्चन देखोगे, आंसर टिक करोगे, ऐसे करके सारा क्वेश्चन आपका सेट मिलेगा, 24 क्वेश्चन का सब सेट मिलेगा, और उसके बाद यहाँ पे आपको आंसर मिलेगा, इसको आप मार्क करके आप देख लोगे कितना स्कोर आपका आ रहा है। PDF से करना है तो भी, और टेस्ट सीरीज से करना है तो भी। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 देखो, इंटीग्रल रेल कोच फैक्ट्री कहाँ पे है, मतलब इंटीग्रेटेड बोलो या इंटीग्रल बोलो, ये क्वेश्चन जहाँ तक मुझे याद है 2018 के क्वेश्चन पेपर में भी आया था और 2016 के क्वेश्चन पेपर में भी आया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा चेन्नई। और उसके साथ साथ यहाँ पे जितना तरह का आपको सारा याद रखना पड़ेगा, जैसे कि चित्तरंजन लोकोमोटिव पूछेगा तो डायरेक्ट चित्तरंजन करना, वेस्ट बंगाल, डीजल लोकोमोटिव वाराणसी, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है याद रखना। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री 2018 में भी आया है, 16 में भी आया है, पैरामबूर में है, पैरामबूर कहाँ पे है कभी कभी क्वेश्चन ये आ जाता है, चेन्नई और चेन्नई तमिलनाडु। तो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ है, तो हो सकता है ऑप्शन में आपको पैरामबूर दे, हो सकता है चेन्नई दे, हो सकता है तमिलनाडु दे, तो इसीलिए मैंने तीनों लिखा हुआ है, क्योंकि तीनों में से अलग अलग एग्जाम में मैंने अलग अलग ऑप्शंस देखे हैं। रेल कोच फैक्ट्री आपका कपूरथला में है, कपूरथला पंजाब में है। डीजल लोकोमोटिव मॉडर्नाइजेशन वर्क जो है सो फॉर्मली इसी को डीजल कंपोनेंट वर्क्स पहले कहते थे, तो ये पटियाला पंजाब में है। इसके अलावा ये व्हील एक्सेल प्लांट आपका बेंगलुरु, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसपे मैंने स्टार मार्क कर दिया, उसको कम से कम जरूर याद रखना। और एक आपका और है यहाँ पे
भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, तो ये आपका बेंगलुरु में है। और यहाँ पे देखना ये एक्सेल प्लांट ऐसा लगेगा कि आपको ये व्हील से रिलेटेड है, अर्थ मूवर्स ये भी लगेगा व्हील से रिलेटेड है, और व्हील तो यहाँ पे व्हील से रिलेटेड है, और तीनों व्हील वाला जो है सो आपका बेंगलुरु में है। तो ऐसे भी आसानी से याद रख सकते हो। ये भेल है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड न्यू दिल्ली, गोल्डन रॉक रेलवे वर्कशॉप तिरुचुपल्ली, और इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव फैक्ट्री मधेपुरा। और मधेपुरा वाला क्वेश्चन पढ़े होंगे, 12000 एचपी वाला जो इंजन बनाया गया इलेक्ट्रिक इंजन, वो आपका मधेपुरा में ही बना था, और उस फैक्ट्री का नाम है इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव फैक्ट्री। ठीक है, तो ये आपको पता चला। तो ये स्टार मार्क, ये याद रखना, ये याद रखना, ये याद रखना, और ये वाला आपका इंटीग्रल कोच फैक्ट्री याद रखना, और डीजल लोकोमोटिव वर्क्स जो वाराणसी में, ये याद रखना। ये 5-6 तो आपको इस 10 में से जरूर याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चंस यहीं से बार बार आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका कि रेलवे स्टीम इंजन वाज इन्वेंटेड बाय, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका जॉर्ज स्टीफेंसन। ठीक है, एक दो लाइन यहाँ पे देख लो, आपका जो है सो लोकोमोटिव नंबर 1 ओरिजिनली नेम्ड एक्टिव इज एन अर्ली स्टीम लोकोमोटिव दैट वाज बिल्ट इन 1825 बाय द पायोनियरिंग रेलवे इंजीनियर जॉर्ज एंड रॉबर्ट स्टीफेंसन। यहाँ से क्वेश्चन आपका आया हुआ है एट देयर मैन्युफैक्चरिंग फर्म। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका रेल कोच विनिर्माण इकाई कहाँ पर है, आपका इसी को हम लोग बोलते हैं आधुनिक कोच फैक्ट्री, आधुनिक आधुनिक कोच फैक्ट्री। ठीक है, कोच फैक्ट्री, और ये आपका रायबरेली में है, और रायबरेली आपका उत्तर प्रदेश में है, तो यहाँ पे आपका आंसर होगा उत्तर प्रदेश, यूपी, यूपी रायबरेली, रायबरेली। यहाँ पे जो है सो आपका रेल कोच विनिर्माण इकाई है। ठीक है, आधुनिक कोच फैक्ट्री रायबरेली उत्तर प्रदेश के रायबरेली के पास लालगंज में है, यहाँ पे आपका रेल कोच विनिर्माण इकाई है। ठीक है, चलो इसके आगे, तो इस क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया ना। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय रेलवे का सिविल इंजीनियरिंग संस्थान कहाँ पे है। अब देखो क्वेश्चन कहाँ कहाँ से पूछा जा रहा है, सिविल इंजीनियरिंग का पूछा है, इलेक्ट्रिकल का भी तो पूछ सकता है ना, मैकेनिकल का भी तो पूछ सकता है ना, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा पुणे। यहाँ पे बस आपको एक लाइन में बता देता हूँ, इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग का पूछेगा पुणे करना, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का पूछेगा नासिक करना। ठीक है, एक एक करके थ्योरिटिकल लेक्चर में मैं बताऊंगा, लेकिन क्वेश्चन जहां से आ रहा है वो देखो, ये दो आपका हो गया ना, मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल मिला करके अगर पूछेगा तो जमालपुर करना, ये तीन आपको याद रखना है। इसके अलावा यहाँ पे एक क्वेश्चन आपका रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स RPF, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स का पूछेगा तो लखनऊ करना, इसको भी याद रखना, और फॉर ऑफिसर्स ऑफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ पे है, ये क्वेश्चन आ चुका है सर, तो यह आपका वडोदरा में, ये गुजरात में है। इतना सारा चीज़ आपको यहाँ से याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 8 आपका जो है वो करंट अफेयर्स से है, और 2016 का एग्जाम है ना, तो 2015-16 का करंट अफेयर्स पूछा गया है, और अब आपका एग्जाम मान के चलो 2021 में होगा या 22 में होगा, जब भी होगा तो आपका करंट अफेयर्स इससे रिलेटेड होगा। तो उस समय का करंट अफेयर्स क्या था कि निम्नलिखित में से कौन सा नया सार्वजनिक उपक्रम का नाम है जिसकी घोषणा 2015-16 के रेल बजट में प्रचालन तंत्र समाधान प्रदान करने के लिए की गई थी। तो उस समय का आंसर जो भी हो, अब आपको जो है सो रेलवे बजट अभी का जो लेटेस्ट फाइनेंशियल ईयर का है उसको अच्छे से कवर करना है, क्योंकि हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे एंड DFCCIL पढ़ रहे हो तो 3-4 क्वेश्चन आप उम्मीद कर सकते हो आपका रेलवे बजट और करेंट अफेयर्स रिगार्डिंग रेलवे से आ सकता है। चलो क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत में सबसे लंबा रेलवे विभाग कौन सा है। तो आपका बहुत सारा जोन है, उसमें जो है सो आपका नॉर्दर्न रेलवे जो है वो सबसे ज़्यादा लंबा चौड़ा ज़्यादा एरिया में ज़्यादा रेल लेंथ कवर करता है। ये लाइन याद रखना, नॉर्दर्न रेलवे इज वन ऑफ द 9 ओल्ड जोन, चलो ओल्ड जोन हटाओ, ऑफ इंडियन रेलवे एंड ऑल्सो द बिगेस्ट इन टर्म्स ऑफ नेटवर्क हैविंग 6807 किलोमीटर रूट।
ठीक है। और ये आपका नॉर्दर्न रेलवे जो है वो कवर करता है कहाँ, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश एंड द यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली एंड चंडीगढ़। तो ये सब मत याद रखना, यहाँ से सिर्फ आपको एक लाइन याद रखना है कि नॉर्दर्न रेलवे सबसे ज़्यादा बिगेस्ट इन टर्म्स ऑफ नेटवर्क रूट है। और एक याद रखना है कि इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपका न्यू दिल्ली बड़ौदा हाउस नियर इंडिया गेट है। इतना आपको यहाँ पे याद रखना है। एक क्वेश्चन देखो यहाँ पे राजधानी एक्सप्रेस से पूछा है कि राजधानी एक्सप्रेस सबसे पहले जो है सो कहाँ से कहाँ तक चलाया गया था। अब आप देख सकते हो ना कहाँ से कहाँ तक चलाया गया था, कैसा कैसा क्वेश्चन आता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका न्यू दिल्ली से कोलकाता। और राजधानी एक्सप्रेस क्या है ये काफ़ी लोगों को पता होगा और काफ़ी लोगों को नहीं पता है, थोड़ा सा डिटेल्स में आप लोग जान जाओ एक दो लाइन बस। सबसे पहली बात कि राजधानी एक्सप्रेस जो है एक तरह से वो कह सकते हो प्रेस्टीजियस ट्रेन, मतलब अगर आप राजधानी से जाओगे ना तो सीना ठोक करके कहोगे कि मेरा टिकट राजधानी में है, इस टाइप से। तो ये एक सीरीज है पैसेंजर ट्रेन का जो आपका कैपिटल से कैपिटल को कनेक्ट करता है। नाम से पकड़ो राजधानी, राजधानी का इंग्लिश क्या होता है, कैपिटल। अब जैसे कि मान लो न्यू दिल्ली है आपका और मान लो बिहार का जो है सो कैपिटल पटना है, तो पटना से न्यू दिल्ली है ना। वेस्ट बंगाल का मान लो कोलकाता है तो कोलकाता से न्यू दिल्ली है ना, इस तरह से आपका ये जोड़ता है। तो राजधानी एक्सप्रेस इज अ सीरीज ऑफ पैसेंजर ट्रेन सर्विस इन इंडिया ऑपरेटेड बाय इंडियन रेलवे कनेक्टिंग द नेशनल कैपिटल न्यू दिल्ली। नेशनल कैपिटल है ना आपका न्यू दिल्ली, तो न्यू दिल्ली से अलग अलग स्टेट के कैपिटल को जोड़ने का काम करता है। और जितना स्टेट है उतना नहीं, जो लार्जेस्ट सिटी वगैरह है अलग अलग स्टेट में वहाँ से, ठीक है। और आप कभी नोटिस करना कि आप जन शताब्दी से जा रहे हो और बगल से जो है सो राजधानी निकलेगा तो आपके गाड़ी को रोक दिया जाएगा, मतलब प्रायोरिटी दिया जाता है आपको राजधानी एक्सप्रेस को। राजधानी एक्सप्रेस को जो है सो रोका नहीं जाता है, उसका लाइन क्लियर किया जाता है, दूसरे गाड़ी को रोका जाता है। तो 1 मार्च 1969 को जो है ना फर्स्ट राजधानी एक्सप्रेस आपका चला था, कहाँ से कहाँ, तो न्यू दिल्ली से हावड़ा, न्यू दिल्ली से हावड़ा शाम के 5:30 बजे इवनिंग में चला था और सुबह जो है सबका 10:30 बजे पहुंचा था, मतलब 1450 किलोमीटर का जर्नी किया था 17 घंटा 20 मिनट में। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है या नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन तो सुपर इम्पॉर्टेंट है कि फर्स्ट टाइम राजधानी एक्सप्रेस 1 मार्च 1969 को चली थी और न्यू दिल्ली से हावड़ा के बीच चली थी। और ये करता क्या है राजधानी, तो ये नेशनल कैपिटल को जो है सो अलग अलग स्टेट के लार्जेस्ट सिटी से कनेक्ट करता है और इसको जो है सो प्रायोरिटी दिया जाता है कंपेयर टू अदर ट्रेन। उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपको काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव लगा होगा। और एक पब्लिक ग्रुप है DFCCIL का, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उस ग्रुप में मुझे लगता है 600 प्लस लोग अभी तक आ चुके हैं, आप सभी लोग उस ग्रुप को ज्वाइन कर लो, ठीक है। वहाँ पे आपस में भी डिस्कशन कर सकते हो, इन्फॉर्मेशन वगैरह शेयर कर सकते हो और वहाँ पे मैं भी एक्टिव रहता हूँ, तो अगर वैसा कोई क्वेरीज वगैरह होगा तो वहाँ पे मैं आपका सॉल्व करता रहूँगा। और लेक्चर को लाइक कर दिया करो, थोड़ा सा भलाई आप लोग भी दिखाओ, थोड़ा सा इंसानियत आप लोग भी दिखाओ, आप लोगों के फ्रेंड्स वगैरह जिसने भी DFCCIL का फॉर्म भरा है उन्हें सजेस्ट करो, इस चैनल को फॉलो करें अगर आपको लगता है कि लेक्चर सच में इफेक्टिव है तो। और जितने भी सीरियस कैंडिडेट हो 100% प्रिपेरेशन करना हो तो ऐप पे आप सभी का स्वागत है अच्छे से पढ़ाई करने के लिए। उम्मीद करता हूँ लेक्चर अच्छा लगा होगा, मन से रहो, एग्जाम का तैयारी करते रहो। बाय, थैंक यू।